हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जितने भी यहाँ पे CUET वाले हो जो इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हो, वो लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो लोग नहीं जो फॉर्म भरे हो, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि कट ऑफ इस बार थोड़ा कम रह सकता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। जो आगे इस वीडियो में मैं बता रहा हूं उसको पहले पूरा क्लियरली सुन लो, देन उसके बाद ये वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको टाइम टू टाइम अपडेट, सभी जो भी ऑफिशियल न्यूज़ रहती है वहां से आपको अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि कट ऑफ क्यों कम रह सकती है, जो कि मैंने पहले कट ऑफ बताए हैं, ठीक है। पिछला वीडियो आप देखिएगा इस वीडियो के बाद, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा पहले उसको सुन लो अच्छे से। कट ऑफ और कम क्यों रह सकता है, जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए हैं पिछले वीडियो में, उससे आप लगभग 25 नंबर और वहाँ पर जो मैंने कट ऑफ बताए हैं 25 नंबर तक और कट ऑफ अपनी कम कर लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सुनो पूरी बात। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हो, पहले क्या था, जब फॉर्म भरा था सभी ने तो वहाँ पे लगभग 231,000 टोटल फॉर्म्स पड़े थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद UG के लिए। स्पेशली BA के लिए वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म्स थे, और सीट्स भी यहाँ पे BA के लिए ज़्यादा है। फॉर्म के समय काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अब क्या हुआ कि जिन्होंने फॉर्म भरा था उन्होंने प्रेफरेंस में DU को भी रखा था, BHU को भी रखा था, और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी प्रेफरेंस रखी है। तो हुआ क्या, काफ़ी लोगों ने BHU और DU के लिए भी प्रेफरेंस दिया था, तो आधे बच्चे यहाँ पे चले जाएंगे, आधे नहीं मतलब थोड़े बच्चे तो चले ही जाएंगे, और क्यों कंपटीशन यहाँ से थोड़ा कम होगा, और जो बाकी बच्चे हैं तो वो किन्हीं ना किन्हीं प्राइवेट कॉलेज में अपने अगल बगल ही कहीं पे एडमिशन करा लेते हैं। देखिए, फॉर्म बहुत से लोग भरते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम काफ़ी लोगों का एडमिशन हो जाता है, इस बात को समझिएगा। आपके अगल बगल से ही अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस में अपना एडमिशन करा लिया है, क्योंकि सेशन बहुत लेट हो रहा है, ठीक है, और उन्होंने अपना एडमिशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने करा भी लिया है अपना एडमिशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ कम और जा सकती है। और बात करें जब काउंसलिंग होती है, वहाँ पे भी लगभग 20-25% बच्चे आते ही नहीं, उनकी सीट खाली चली जाती है, जो कि बाद में कट ऑफ और नीचे आती है। तो जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सबसे पहले वहाँ पे जाके देखो जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वहाँ पे बताया है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वहाँ पे मैंने जो बताया है उसमें से 20-25 नंबर और कम कर दो, ठीक है। देखो, पहली जो कट ऑफ रहेगी वो उतना ही जाएगी, लेकिन कट ऑफ और नीचे आएगी, जितना मैंने लास्ट कट ऑफ बताया है उसमें आप 20-25 नंबर और कम कर दीजिए। जैसे कि मैंने अगर किसी में बताया है 630 नंबर, तो उसको आप मान के चलो 605 या 600 के करीब वो कट ऑफ आ सकती है। तो इसी तरीके से 20-25 नंबर आप कम करके वहाँ पे देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आगे की अपडेट्स के लिए।